डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था बाइजू को चोट लग गई थी। यांगजिंग बाइजू से मिलने जाती है उसके घर में, तो वहाँ पे उसको उसकी बहन मिलती है फांगीरान। बाइजू सो रहा होता है इसलिए फांगीरान यांगजिंग से बात करती है और कहती है कि बाइजू ने आज तक कभी किसी की मदद नहीं करी और पहली बार मदद कर रहा है और बाइजू आजकल बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुका है। फांगीरान ये भी बताती है बचपन में सब बच्चे उसको परेशान करते थे लेकिन वो मेरे पास आ जाता था और मैं उसको बचाती थी। यहाँ पे फांगीरान यांगजिंग को एक और राज बताती है। फांगीरान बताती है एक बार मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर जाती हूँ विदेश, तो गलती से मेरी मॉम से घर का गैस जो है जला रह जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है और उस टाइम पे बाइजू अकेला होता है और आग देखता है और सारे रिपोर्टर्स उसी की तरफ क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं। तब से बाइजू को आग से और रिपोर्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे बाइजू की फ्रेंड आती है बाइजू से मिलने और वहाँ पे थोड़ा बहुत बात करती है लेकिन उनको काम पे जाना होता है तो वहाँ से चली जाती है। जाते जाते उसकी फ्रेंड यांगजिंग से कहती है कि बाइजू का ध्यान रखना। बाइजू दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था तो कंपनी में सभी बैठ के एक साथ मीटिंग करते हैं कि हमें बाइजू को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, जिसपे CEO की वाइफ कहती है कि हमें रखना चाहिए लेकिन मिस लीना कहती है कि हमें नहीं रखना चाहिए। CEO की वाइफ काफ़ी कहती है कि बाइजू बहुत ज़्यादा ईमानदार और अच्छा इंसान है, वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहता तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें। और बाइजू को रखे या ना रखने की बात पे ही CEO की वाइफ और मिस लीना में आपस में लड़ाई हो जाती है। CEO उनसे दोनों को शांत करवाता है और कहता है कि इसके बारे में हम थोड़ी देर में सोचेंगे। बाइजू से बाइजू की फैन और उसकी मॉम मिलने आती है और कहती है कि थैंक यू हमें बचाने के लिए, तुमने हमें बचा दिया, तुम सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। और उस टाइम पे उस फैन की मम्मा कहती है कि ये हमेशा पढ़ती नहीं थी इसलिए मैं चिल्लाती थी, बल्कि इसने तुम्हारे लिए जो है स्कूल भी छोड़ दिया है और ये हमेशा तुम्हारी वजह से मुझसे लड़ती रहती थी इसलिए मैं लड़ाई करती थी इससे। यांगजिंग उस फैन की मॉम को लेके जाती है कि हम कहीं पर बाहर चलते हैं बात करने के लिए, तब तक तुम्हारी बेटी और बाइजू थोड़ा बात कर लेंगे। वो फैन लड़की कहती है कि हमेशा मेरी मॉम मेरे पे चिल्लाती रहती है, ना मेरी बात सुनती है और मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाई करने के लिए कहती है। बाइजू कहता है कि मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा डांस करते हो, तुम डांस के ग्रुप में भी थी लेकिन तुमने अब छोड़ दिया है मेरी वजह से, जिस पे वो लड़की कहती है हाँ। बाइजू कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरी मॉम नहीं है और मैं हमेशा उनको मिस करता हूँ, भले ही वो डांटते लेकिन हमारी भलाई के लिए डांटते हैं, तुम्हें भी अपनी मॉम की बात सुननी चाहिए। बाइजू से ये भी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा भी कोई फ़ैन फॉलोअर मेरी वजह से उसका कोई नुकसान हो, तुम्हें अपना एक अलग से ड्रीम लेना चाहिए, तुम भले ही मुझे लाइक करती हो लेकिन तुम्हारे पास भी एक खुद का ड्रीम होना चाहिए, जिस पे वो लड़की मान जाती है और कहती है ठीक है मैं आपसे स्कूल जाऊँगी। घर जाते समय उस लड़की की मॉम कहती है कि बाइजू कितना अच्छा है, तुम्हारी केयर भी खूब करता है और वो इतना अमीर भी है, अगर वो चाहे तो तुम्हारी पूरी स्कूल की फ़ीस भी भर सकता है, मैं तो इतना अच्छा कमाती भी नहीं हूँ और वो तुम्हारी फ़ीस भी भर सकता है। और जिस पे वो लड़की कहती है कि मॉम अब से मैं स्कूल भी जाऊँगी, जिस पे उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें अब बाइजू से थोड़ा रिलेशनशिप बना के रहना चाहिए। ये सब रिकॉर्ड 2-3 लोग करने लग जाते हैं जब वो बाइजू का नाम सुनते हैं और लुहान तुरंत CEO के पास जाता है और कहता है कि बाइजू को ज़्यादा ही फेमस हो रहा है और ये लोग भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, जिस पे CEO मिस लीना से कहता है कि मेरी वाइफ सही कह रही थी हमें बाइजू को रख लेना चाहिए और मैं उसकी जिम्मेदारी तुम पे छोड़ रहा हूँ। मिस लीना मान जाती है और बाइजू के पास चली जाती है उसको देखने के लिए। बाइजू के बहुत सारे फैंस ने उसके लिए व्हीलचेयर लाए होते ताकि वो उसमें बैठे और सिंगिंग करे ये सब, लेकिन बाइजू नहीं मानता और कहता है कि मैं इसमें बैठूंगा तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा लगूंगा। बाइजू नहीं मानता, मिस लीना गुस्से में बाहर आ जाती है और कहती है पता नहीं ये समझता क्या अपने आप को, हमेशा मेरी बात नहीं समझता ये। लेकिन मिस लीना के जाने के बाद यांगजिंग कहती है कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे फैंस ने 100 से भी ज़्यादा व्हीलचेयर भेजी और तुम्हें उनको ऐसे नाराज नहीं करना चाहिए, जिस पे बाइजू मान जाता है व्हीलचेयर में बैठने के लिए। बाइजू व्हीलचेयर में बैठ के गाना भी रिकॉर्ड कर देता है जिससे मिस लीना बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि ये यांगजिंग कुछ मतलब इजीली मना लेती है बाइजू को।
लुहान वहीं पे होता और कहते कि हाँ पता नहीं कैसे इतनी सारी असिस्टेंट आई है बायजू की और वो हमेशा चली जाती थी बायजू के नेचर से, लेकिन ये अभी तक यहीं पे है और काफ़ी अच्छी भी और ये कंट्रोल भी कर लेती है। मिस लीना इम्प्रेस हो जाती है यांग जिंग से और कहती है हमें इसे प्रमोट कर लेना चाहिए, क्योंकि बायजू जब कंपनी से निकल जाता है तो उसकी मैनेजर भी निकल जाती है, और वापस रखने पर वो कहती है कि मैं नहीं बनूंगी मैनेजर बायजू की, उसको बायजू वैसे भी बिल्कुल पसंद नहीं था। जिस पर मिस लीना कहती है कि अब हमें यांग जिंग को मैनेजर बना देना चाहिए उसका। सीईओ अपनी वाइफ से मिलने जाता है और कहता है कि तुम सही कह रही थी हमें उसको रख लेना चाहिए बायजू को, और पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। बायजू को जब इंजेक्शन लग रहा होता है तो बायजू यांग जिंग का हाथ पकड़ के रखता है, और वो जब उसके इंजेक्शन लगता है तो वो तेज़ चिल्लाता है और अपना हाथ भी जो है दबा देता है। बायजू ने यांग जिंग का हाथ पकड़ा हुआ था जिस वजह से यांग जिंग भी चिल्लाती, तो बायजू कहता है कि तुम क्यों चिल्ला रही हो, तो यांग जिंग कहती है तुमने मेरा हाथ भी तो पकड़ा, इतनी तेज़ दबा रहे हो तुम मेरा हाथ। यांग जिंग जब ऑफिस जाती तो सब लोग उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि अब वो बड़ी पोस्ट में आ गई है। यांग जिंग अब मैनेजर बन चुकी थी बायजू की, तो उसको एक अलग सा रूम दे दिया जाता है वहाँ पे बैठ के, ताकि वो बायजू का काम करे। जीरुई अगले दिन जब रिहर्सल करने के लिए जाता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही होती है टीम लीडर उनकी डांस की। वो कहती है कि तुम दो दिन से बाहर थे तो इसलिए कोई भी प्रैक्टिस करने नहीं आया यहाँ पे, और वैसे भी इतनी तनख्वाह में मिलती नहीं है। तो सब लोग जीरुई यांग जिंग की फ्रेंड के पास जाता और कहता है कि बॉस कहाँ पे है, जिस पे वो कहती है कि अभी वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जीरुई लास्ट में बॉस से मिलता है, वो कहती है कि अभी हमारा इतना बजट नहीं है और ना ही कोई हमारे साथ कॉपरेट कर रहा है, मतलब ना ही हमें कोई प्रमोशन लेटर भी दे रहा है कि हमारे साथ जो है पैसे वो लगाएं और हम आगे सिंगिंग करें और जितना भी बेनिफिट होगा वो मिल के हो। यांग जिंग को बहुत ज़्यादा काम मिलने लग गया था, वो थोड़ी थक भी गई थी। वो अपनी फ्रेंड से कहती है तुम मुझे रेडी कर दो क्योंकि अब मैं मैनेजर बन गई तो मेरा ड्रेसिंग सेंस भी चेंज होना चाहिए ताकि मैं लगूँ मैनेजर जैसी। यांग जिंग की फ्रेंड उसका हाँ कह देती है और मेकअप करना शुरू कर देती है, लेकिन वो पूरा मेकअप इतना डार्क लगाती है कि ऐसा लगता है यांग जिंग शादी में जा रही है ना कि किसी मैनेजर की जॉब में। यांग जिंग और जीरुई एक दूसरे से मिलते हैं, जीरुई कहते हैं तुम आज ज़्यादा अच्छी लग रही हो और ऐसा लग भी रहा है तुम्हारा प्रमोशन हो रखा है और मैनेजर जैसी भी लग रही हो। जिस पर यांग जिंग कहते हैं तुम्हें किसने बताया, जीरुई कहते हैं तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे बता दिया था। फिर यांग जिंग उस दिन जीरुई को ट्रीट देती है अपने प्रमोशन की खुशी में, लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह वो दोनों अच्छे से बात ही कर रहे होते हैं, तभी बायजू का कॉल आ जाता है और यांग जिंग को भागे भागे वहाँ से जाना पड़ता है। बायजू अच्छे से रिकवर हो गया था और बायजू को अब प्लास्टर उतारने जाना था, तो बायजू का प्लास्टर उतार देते हैं डॉक्टर। बायजू को वापस रिकवर होने के लिए यांग जिंग उसको वर्कआउट करवाती है और उसकी थोड़ी मदद करती है। शुरुआत में उसको काफ़ी कठिनाई होती है लेकिन यांग जिंग उसकी मदद काफ़ी करती है। यांग जिंग किसी काम से म्यूजिक रूम गई होती है और वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियाँ गाना गा रही है वहाँ पे। तभी वहाँ पे जो सिंगिंग की लीडर होती है वो कहती है कि बहुत अजीब सा लग रहा है आज गाना गाने में, क्योंकि जो हमारे सपोर्टर होते हैं गाना गाने के वो बहुत ज़्यादा ही लो है। जिस पे वो बॉस कहता है कि आज सिर्फ 3 ही है ना इसीलिए। यांग जिंग कहती है कि क्या मैं ट्राई मारूं, तो यांग जिंग भी वहाँ पे चली जाती है और इससे उनका गाना और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जीरुई जब ऑफिस जाता है तो यांग जिंग की फ्रेंड कहती है तुम्हारे पैसे, जीरुई कहता है इतनी जल्दी क्यों दे रहे हो, उस पर कहती है कि अब तो है ये कंपनी बंद होने वाली है और फिर अभी रेंट भी देना है तो तुम रख लो अभी पैसे, बॉस ने कहा है मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ पूरा। वो बॉस जीरुई को बुलाता है और कहता है मेरे को एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया मिला है, मेरी तरह जो है 2-3 छोटी छोटी कंपनी है तो हम एक काम करते कि ये गाना जो है उनको बेच देते हैं और साथ में काम करते हैं, जिससे वो थोड़ा बहुत पैसा देंगे और हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेकिन इस पे जीरुई मना कर देता और कहते हैं कि ये गाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इस गाने को लिखा है, मैंने इतनी मेहनत की है और मैं कभी भी अपने गाने बेचना पसंद नहीं करूँगा। और जीरुई वहाँ पे बॉस को मना कर देता और सॉरी कह देता है। जीरुई यांग जिंग की फ्रेंड के साथ घर जा रहा होता है, तब यांग जिंग की फ्रेंड कहती है कि तुमने रिजेक्ट क्यों करा, मैंने देखा अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है, अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हमारे साथ काम करने के लिए चाहती ही नहीं है कभी। जिस पे जीरुई कहता है शायद से मैं किसी और कंपनी में जा रहा हूँ। यांग जिंग की फ्रेंड कहती है कि क्या तुम वही स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी पे तो जाने की सोच नहीं रहे हो, जिस पे जीरुई हाँ कह देता है। यांग जिंग की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें यांग जिंग काफ़ी लाइक करती है तो तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते, जिस पे जीरुई जवाब देता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ जो भी मेरी गर्लफ्रेंड बने तो वो खुद मेरी वजह से उदास हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा स्टेबल होना चाहता हूँ, अच्छे से कमाना चाहता हूँ, तब जाके मैं उसको प्रपोज करूँगा।
बायजू ठीक हो जाता है और अपने घर चले जाता है और कहते हैं कि आज लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ, घर में ही अलग ही मज़ा होता है। और वो यांगजिन से कहता है क्यों ना तुम मेरे ही घर में रुको और तुम पैसे वैसे मत देना कुछ भी रेंट वेंट, बस तुम मेरे घर की सफाई वफाई कर देना ये सब। और लेकिन जिस पे यांगजिन मना कर देती है, लेकिन बायजू कहते हैं कि हाँ जब तक तुम अपने घर का रेंट दे सकती हो तब तक तुम अपने ही घर में रहो। जीरुई स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी में चले जाता है और बिना डॉक्यूमेंट्स पढ़े कह देता है मेरे को आप पे पूरा विश्वास है और उस डॉक्यूमेंट में साइन कर देता है कि अब से मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ। जीरुई यांगजिन के रूम में जाता है और कहता है अब तो तुम बहुत ज़्यादा ही बड़ी बन गई हो, मतलब तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट क्योंकि मैं भी अब इस कंपनी में काम करने लग गया हूँ। जीरुई यांगजिन के लिए एक स्कार्फ लेके आया था जिसे देख के यांगजिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, बायजू का अब ऑफिस जाना होता है लेकिन यांगजिन कहती है तुम इतने फीके कपड़े पहन के क्यों जा रहे हो, अगर तुम्हें कंपनी वाले देखेंगे तो कहेंगे कि तुम्हारा लुक कितना चेंज हो चुका है। लेकिन बायजू इस बार यांगजिन की बात मान लेता और कपड़े चेंज करने चले जाता है, जिसपे यांगजिन को फांग ईरान की बात याद आती है और वो कहती है कि बायजू जो है सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। बायजू जब ऑफिस जाता है तो वो अपने सारे क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात करता है, ऑफिस के जितने भी वर्कर्स थे उनसे भी, जिससे वो सब एक दूसरे को मैसेज करने लग जाते हैं कि बायजू कितना चेंज हो चुका है। सीईओ की वाइफ जीरुई को बुलाती है और कहती है कि हमें तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट भी ढूंढनी लेकिन उसमें टाइम लगेगा क्योंकि हम यांगजिंग को रख सकते थे लेकिन वो बायजू को देख रही है, और यांगजिंग अगर तुम्हारी असिस्टेंट होती तो तुम्हें सब अच्छे से जानती है, बचपन से तुम एक दूसरे को जानते हो, इस वजह से तुम्हारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता लेकिन हम तुम्हारे लिए दूसरी ढूंढ देंगे। जीरुई जैसी बायजू को देखता है तो बायजू के पास जाके कहता है कि अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं भी इस कंपनी में काम करूँगा। बायजू कहता है हाँ हाँ वो मुझे भी पता है कि तुम इस कंपनी में जॉइंट हो चुके हो। जीरुई कहता है जब तक तुम यहाँ पे अकेले थे तब तक तुम्हारे पास कोई कंपटीशन नहीं था और मैं अभी से ही सॉरी कहता हूँ कि बाय चांस मैंने आगे चल के तुम्हें हरा दिया। तो बायजू और यांगजिंग घर चले जाते हैं, यांगजिंग मेकअप कर रही होती तो बायजू कहता है कि तुम किसी से मिलने जा रही हो, लेकिन यांगजिंग कहती तुम्हें इससे मतलब, बायजू कहता है कि लाओ दो मेरे को मेकअप करना आता है, मैं तुम्हारा मेकअप करने में मदद कर देता हूँ। बायजू यांगजिंग से ब्रश छीन के उसका मेकअप खुद से करने लग जाता है। यांगजिंग बायजू के मेकअप से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है तुमने काफ़ी अच्छा करा है, तुमने किसी से सीखा, लेकिन बायजू कहता है खुद मैंने लोगों को सिखाया है और मैं हुई इतना टैलेंटेड। यांगजिंग अपने पाउच में देखती है जीरुई का वो स्कार्फ पहनने के लिए लेकिन वहाँ पे स्कार्फ नहीं होता, तो वो बायजू से पूछती तुमने मेरा कहीं स्कार्फ देखा, जिस पे बायजू मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर में बायजू कहता है हाँ हाँ मुझे शायद से याद आया, मैंने उसको देखा था घर के बाहर पड़े हुए, मैंने सोचा ऐसी कोई साफ़ करने वाला कपड़ा होगा तो मैंने उससे अपने शूज़ साफ़ कर लिए और फिर बाद में डस्टबिन में फेंक दिया, जिसपे यांगजिंग उस पर चिल्ला देती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। यांगजिंग भागे भागे डस्टबिन में जाती है लेकिन तब तक कूड़े वाला वो कूड़ा लेके जा चुका था। बायजू रात को बैठ के यांगजिंग की फ़ोटोज़ देख रहा होता है और उसकी फ़ोटो पे देख के हंस रहा होता है और अचानक से बायजू को खांसी होने लग जाती है, तो बायजू सोचता है कि यांगजिंग मुझे गाली तो नहीं दे रही है। अब कंपनी बिल्कुल अच्छे से बंद हो चुकी होती है और वो जा रहा होता है बॉस, लेकिन जीरुई और यांगजिंग की फ्रेंड लास्ट टाइम उनसे मिलने जाते हैं। जीरुई और यांगजिंग की फ्रेंड उस अपने बॉस को कार में बैठा के वहाँ से चले जाते हैं। बायजू को एक बार फिर उसी एक्ट्रेस के साथ काम करना था जिसने झूठी खबर फैला दी थी कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। वो औरत वहाँ पे बैठ के सिर्फ अपनी तारीफ कर रही होती है कि मैं वहाँ पे गई थी, विदेश गई थी, ये गई थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सब। बायजू वहाँ से उठ के चले जाता है गुस्से में। यांगजिंग उसके पीछे जाती है और सॉरी कहती है कि मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे साथ काम करने वाली है, लेकिन बायजू उससे कुछ नहीं कहता क्योंकि मिस लीना ने साइन करा होता है कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए। बायजू और वो एक्ट्रेस साथ में फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं लेकिन बायजू दूर दूर ही रहता है उससे जितना हो सके, और वापस से सोशल मीडिया में ये फैलने लग जाता है कि ये लड़की को अभी भी शर्म नहीं आ रही है फिर भी बायजू के साथ काम कर रही है वापस। बायजू की पुरानी मैनेजर वापस आ जाती है और अपनी बहन से कहती है कि मुझे प्लीज़ ऑफिस में लगा दो, मेरे को वापस मैनेजर बना दो, लेकिन उसकी बहन मना कर देती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी कोशिश करी है लेकिन तुम ही खुद हट के गई हो। वो उसकी बहन कहती है कि तुम जीरुई की क्यों नहीं बन जाती, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। कंपनी में यांगजिंग ऐसी जा रही होती है तो वो जीरुई से मिलती है और कहती है कि तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, जिस पर जीरुई कहता है काफ़ी अच्छी चल रही है। जीरुई कहता है कि मुझे तुमसे मिलना और तुम मेरे को मिलना और फिर मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे काफ़ी टाइम से ये बोलना चाहता था लेकिन नहीं बोल पा रहा था। सीईओ वहीं पे ही खड़ा होता है और वो सारी बात सुन लेता है और उसको सब समझ में आ जाता है।
जीरुई सिंगिंग की प्रैक्टिस करता है और वो काफ़ी अच्छा गाता है, और कंपनी के सारे असिस्टेंट और मैनेजर सारे वहीं पे बैठे होते हैं और जीरुई का गाना सुन रहे होते हैं, और यांग जिंग को भी जीरुई का गाने काफ़ी अच्छा लगता है। बायजू भी उस कमरे तक आता है, लेकिन जब जीरुई की सब तारीफ कर रहे होते हैं तो वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है, और थोड़ा उसको पछतावा भी होता है, दुख भी होता है, क्योंकि उसके पापा इतनी बार उससे बोल चुके हैं कि तुम जो कुछ भी हो मेरे पैसों की वजह से हो। जीरुई को कंपनी का CEO बुलाता है और कहता है कि तुम्हें पता है एक स्टार की सबसे असलियत क्या होती है, उनके फैंस होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, और उनको फैंस के लिए कुछ भी करना होता है। तो जीरुई कहते हैं कि मैं हमेशा अपने फैंस को सपोर्ट करूंगा, लेकिन उस पर CEO कहता है कि तुम नहीं करते हो, तुम भी अभी भी एक लड़की को लाइक करते हो जिस वजह से तुम्हारी रेपुटेशन कम हो सकती है। लेकिन जीरुई कहता है कि मैं जो है गर्लफ्रेंड भी बनाऊंगा और साथ ही साथ अपने काम पे भी पूरा ध्यान रखूंगा, और वो वहां से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तो कंपनी का CEO उसके फाइल पकड़ा देता है और कहता है कि इसको पढ़ लो। जीरुई जैसे उस डॉक्यूमेंट में देखता है, उसमें लिखा होता है कि जब तक ये कंपनी में वो इंसान काम कर रहा है तब तक वो रिलेशनशिप में ना ही आएगा और ना ही किसी से शादी करेगा, ना ही गर्लफ्रेंड बनाएगा। और जीरुई ये सब देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि अगर वो ये रूल फॉलो नहीं करेगा तो उसको कंपनी से निकाल दिया जाएगा और उसको अपना सपना भी पूरा करना है। बायजू आराम से लेटा हुआ होता है, वहाँ पे यांग जिंग आती है और बात करने लग जाती है, लेकिन बायजू कहता है कि तुम्हें अगर जीरुई की बात करनी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। यांग जिंग बायजू को एक जगह पे लेके जाती है, यांग जिंग वहाँ पे एक उलझे हुए धागे होते हैं और वहाँ पे बैठा के कहती है कि इसको सुलझाओ, लेकिन बायजू कहते हैं इतने ज़्यादा उलझे कि मैं इसको कैसे सुलझा पाऊँगा। यांग जिंग कहती है कि हमारे काम भी ऐसे उलझे हुए होते हैं और हमें सिर्फ इनको सुलझाने की ज़रूरत होती है। और यूं ही बात करते करते बायजू वो सारे धागे भी सुलझा देता, और यांग जिंग कहती है देखो तुमने सारे धागे सुलझा दिए। यांग जिंग उसको एक और कमरे में लेके जाती है जहाँ पे अलग अलग रंग के धागे होते हैं, और कहती है कि हमारे ये अलग अलग रंग की धागे की तरह सभी में अलग अलग खूबियाँ होती हैं और हमें बस कुछ मेहनत करनी होती है जिस वजह से हम उसको पा सकें। बायजू अब यांग जिंग से बात करके बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊँ, तुम मेरी सबसे अच्छी असिस्टेंट हो। जिस पे यांग जिंग कहती है ये भी कोई सीक्रेट हुआ, वो तो मुझे पहले से ही पता है मैं सबसे अच्छी असिस्टेंट हूँ। बायजू अब यांग जिंग घर जाते हैं तो बायजू कहता है यांग जिंग से कि तुम्हारे साथ आज बात करके अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू, तुमने मेरा मूड जो है अच्छा कर दिया, हैप्पी मूड कर दिया। अब लेकिन बायजू कहते हैं कि अगर तुम्हें अब से कुछ भी बात करनी होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। जिस पे यांग जिंग कहती है मुझे भी सिंगर बनना था, लेकिन वही है ना, मैं बन नहीं पाई, मेरे को भी तुम्हारी तरह सिंगिंग करनी। यांग जिंग जब अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है और कहती है कि मैं भी जो है अब इस कंपनी में काम करने लग गई हूँ, मैं भी जीरुई के असिस्टेंट बन चुकी हूँ। यांग जिंग भी काफ़ी खुश हो जाती है कि अब से तीनों दोस्त एक ही कंपनी में काम करा करेंगे। जीरुई जब अपना लिखा हुआ गाना सुना रहा होता है CEO को, लेकिन वहाँ पे वो उसको रोक देता है और मना कर देता है ये गाना गाने के लिए, और कहता है कि अगर तुम कोई नया गाना लाओगे तो हमें जो है लॉस हो सकता है इस पे। CEO की वाइफ उसको कहती भी है कि कहाँ का लॉस, इतना अच्छा गाना गा रहा है, ये पक्का हमारा सक्सेसफुल होगा, उसको चांस तो दो। जीरुई यांग जिंग से मिलता है रात को और कहता है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से बोलना चाहता था कि आई लाइक यू, और मैं इसलिए नहीं बोल पाता था क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि मेरी जो भी गर्लफ्रेंड होगी तो मेरी वजह से उदास हो जाए। लेकिन यांग जिंग कहती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करते हो, लेकिन ये जीरुई कहता है कि मुझे फ़र्क पड़ता है और मुझे को पता है कि तुमने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, लेकिन ये बात मैं कुछ सीरियस कहना चाहता हूँ अब। जीरुई कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपना नहीं सकता क्योंकि ये रूल के खिलाफ है, और भले ही कुछ भी हो जाए मेरे लिए मेरा पैशन और मेरी हॉबी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए मैं किसी चीज़ को भी खो सकता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें भी मैं छोड़ सकता हूँ। जिस वजह से यांग जिंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। यांग जिंग जब वहाँ से जा रही होती तो हमेशा की तरह बायजू को कॉल आता है यांग जिंग को, जिस पे यांग जिंग कहती कि कल कोई भी शेड्यूल नहीं है तो कल मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहती हूँ। बायजू कहता कि तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी आवाज़ रोने जैसी क्यों आ रही है, लेकिन यांग जिंग कुछ नहीं बताती और फ़ोन काट देती है। यांग जिंग की फ्रेंड भी किसी पार्टी में गई होती है, यांग जिंग बहुत अकेले होती है तो वो घर में बैठ के ड्रिंक करने लग जाती है और जीरुई के साथ बिताए हुए समय को याद करने लग जाती है। बायजू रात को यांग जिंग के घर जाता है और उसको चद्दर उड़ा के वापस अपने घर में चले जाता है। बायजू यांग जिंग की एक स्केच भी बनाता है। यांग जिंग की जब फ्रेंड घर पहुंचती है और यांग जिंग को उठाती है और कहती कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करी, और यांग जिंग अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया है जीरुई ने। बायजू ऑनलाइन यांग जिंग के लिए गिफ्ट भी खरीदता है।
अगले दिन यांगजिंग जब बायजू के घर में जाती है तो बायजू उसको गाना सुनाता है और कहता है कि मैं कैसा गाया हूँ, जिस पे यांगजिंग बुराई करने लग जाती है कि अच्छा गाना नहीं है। बायजू अपनी तारीफ करने लग जाता है और कहते हैं कि कितना अच्छा गाना है ये सब। यांगजिंग कहती कहीं ये गाना तुमने तो नहीं लिखा, लेकिन बायजू कहता है नहीं मैंने नहीं लिखा और वो वहाँ से उठ जाता है। मिस लीना फालतू फालतू के कॉन्ट्रैक्ट में भी बायजू को ले ले रही थी, जिसपे यांगजिंग को पसंद नहीं आता कि ऐसे ही छोटे छोटे काम करेगा तो इसकी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ेगी, और बायजू भी यांगजिंग का साथ देता है और वो वहाँ से लड़ाई करके चले जाते हैं। लेकिन जब यांगजिंग घर जाती है तो मिस लीना यांगजिंग को कॉल करती है और सॉरी कहती है। अगले दिन जब यांगजिंग ऑफिस में बैठी हुई होती है तो वहाँ पे एक लड़की आती है गिफ्ट लेके, और वो भी बायजू को देने के लिए, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यांगजिंग फटाफट से भाग के जाती है और उसको पैसों का बैग दे देती है, क्योंकि उस गिफ्ट के अंदर गलती से वो पैसों का बैग भी था, और यांगजिंग नहीं चाहती थी कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए किसी से भी, क्योंकि आगे चल के क्या पता पैसे चोरी कर रखे उसका केस लगा दे वो लड़की उस पर। बायजू और जिरुई का फुटबॉल कंपटीशन होता है और सभी लोग वहाँ पे देखने आते हैं उनका शो, और सभी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बायजू को सपोर्ट करने वाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन मिरेकल तो ये होता है कि दोनों के बीच में टाई हो जाता है और दोनों जो है खुद में जीत जाते हैं। यांगजिंग जब बायजू के पास पानी देने जाती तो बायजू कहता है कि आज मैं तुम्हारी वजह से आ रहा। यांगजिंग कहती है मेरी वजह से कैसे आ रहे, बायजू उसका जवाब नहीं देता और वहाँ से चलते बनता है। बायजू जब गेम खेल के वहाँ से जा रहा होता है तो बहुत सारे फैन उसके आसपास आ जाते हैं और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाते हैं। यांगजिंग रास्ता बनाती है और उनके गिफ्ट पकड़ती जाती है। उन्हीं में से एक गिफ्ट के अंदर किसी ने कैमरा लगा रखा होता है, तो यांगजिंग जा रही होती कि मैं घर जा रही हूँ। बायजू नाटक करते कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो यांगजिंग उसको मारने लग जाती है और जाके वो फैंस देख लेते हैं। उस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा था कि यांगजिंग बायजू को परेशान कर रही है, जबकि वो तो नॉर्मली मस्ती कर रहे थे। जीरुई यांगजिंग को मैसेज करता है कि मैंने एक नया गाना लिखा है तो मैं उसको तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम फ्री हो। लेकिन यांगजिंग कह देती है कि नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, मेरे को किसी के साथ डेट पे जाना है। लेकिन यांगजिंग अपने होटल में चली जाती है और वहीं पे ही जीरुई भी आ जाता है और कहता है कि तुम तो डेट पे जाने वाली थी, जिस पे यांगजिंग कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ कुछ दिनों तक के लिए। और जीरुई यहाँ पे सॉरी भी कहता है यांगजिंग को रिजेक्ट करने के लिए। पर बायजू हमारा महान है, वो या तो कॉल करता है यांगजिंग को या तो फिर खुद ही आके बैठ जाता है। और हुआ भी यूं ही, बायजू देख लेता है यांगजिंग कहाँ पे है और वहाँ पे आके तीनों के बीच में बैठ जाता है। बायजू वहाँ पे आके कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, मैं तो ऐसे ही आया था और तुम यहाँ पे मिल गई। और वो यांगजिंग से कहता है बायजू कि तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि मैं यहाँ पे हुई नहीं और तुम जीरुई से बात कर सकती हो जो करना है। वहाँ पे खाना पड़ा होता है तो बायजू को भूख लगती है तो वो खाने लग जाता है, लेकिन उसको खाना पसंद नहीं आता और बुराई करने लग जाता है उस खाने की। वहीं पे ही वो आदमी आ जाता है जिसने खाना बनाया और कहता है कि तुमने क्या कहा कि खाना अच्छा नहीं हो रहा, तो वो आदमी उसको ब्लैक टिकट देता है और कहता है कि जाओ इस रूम से बाहर जाओ, मतलब इस होटल से ही बाहर चले जाओ, अगर तुम्हें मेरा खाना पसंद नहीं है तो जाओ। लेकिन बायजू उधर ही रहना चाहता था और उनकी बात सुनना चाहता था, इसलिए बायजू कहता है कि मैं तभी जाऊंगा, पहले ये खाना तो पहले पूरा कंप्लीट करूँ, कितना टेस्टी खाना है ये। मिस लीना दोबारा से यांगजिंग से मिलती है और सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें उस दिन बहुत ज़्यादा तेज से बोला। लेकिन यांगजिंग भी कहती है कि मेरी भी गलती है, मुझे भी आपसे ऐसे करके बात नहीं करनी चाहिए। यांगजिंग ऐसी ही बैठी होती है कंप्यूटर के पास तो अचानक से वो फोटो देख लेती है यांगजिंग और बायजू की, जिसमें उसको समझ में आ जाता है कि किसी ने सीसीटीवी कैमरा रख रखा है हमारे कमरे में। यांगजिंग तुरंत बायजू के कमरे में जाती है और सारे गिफ्ट खोल के देखती है, उसमें से एक टैडी जो होता है उसके खोलती है तो उसमें एक कैमरा होता है, और वो अचानक से उस कैमरे को तोड़ देती है। कैमरे के टूटते ही जो वो वीडियो देख रहे थे, उधर नज़र रख रखे थे उनके घर में, वो सारा जो है ब्लैंक हो जाता है उनके पास से। लेकिन उनमें से एक कहती है कि कोई बात नहीं, हमारे पास काफ़ी प्रूफ है अभी। बायजू को किसी बात की चिंता नहीं होती है, बस बायजू को एक ही बात की चिंता होती है कि कहीं किसी ने मेरे को नेकेड तो नहीं देख लिया ना। कैमरा लगाने वाली और कोई नहीं होती, वही लड़की होती है जो यांगजिंग को गिफ्ट देने आई होती है, और वो सारी फोटोज़ बायजू के वो पुरानी मैनेजर होती है उसको देने आई होती है। उसकी मैनेजर का प्लान होता है ताकि वो फ़ोटो लीक करवा दे और यांगजिंग जॉब से निकल जाए और फिर वो बायजू यांगजिंग की जगह बायजू के साथ मैनेजर बन जाए। वो मैनेजर इस फोटो के बदले उसको काफ़ी सारे पैसे देती है। और यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है वो मैनेजर सीधा मिस लीना के पास जाती है और कहती है कि जब आप फर्स्ट डिन आई थी तभी हमारी फ्रेंडशिप हो गई थी, और ये रहे सारे फोटोज़। यांगजिंग फिर बायजू के सारे कमरे में देखने लग जाते कि कहीं और कैमरा तो नहीं लग रखा। तभी यांगजिंग के हाथों बायजू की फाइल दिखती है और वो हल्की सी फाइल देख पाती है, उसमें ड्राइंग बना रखी होती बहुत सुंदर सी ज्वेलरी की।
लेकिन बायजू वो तुरंत छीन लेता और कहता है कि ये मेरी प्राइवेट काम है और मैं किसी को दिखाना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसने उसके अंदर जियांग जिंग की भी फोटो बना रखी थी। वो फोटो लीक हो जाती है और सारे जो फैंस होते हैं बायजू के, वो यांग जिंग की बुराई करने लग जाते हैं कि ये कैसी असिस्टेंट है, अपने ही बॉस को मार रही है। यांग जिंग को युहान बुलाती है, युहान से कहती है कि तुम, मुझे पता है कि तुमने ये सब नहीं करा, लेकिन ये लीक हो चुका है सब कुछ। यांग जिंग को पता होता है कि ये सब किसने करा है, तो वो तुरंत उस लड़की के घर में जाती है और कहती है कि तुमने इतना बड़ा घर कब ले लिया, जिस पे वो लड़की कहती है कि बस ले लिया, अब मैं तुम्हारी तरह गरीब थोड़ी ना हूँ। लेकिन यांग जिंग अब ज़्यादा कुछ बोलती नहीं और सीधा बात पर आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है वो फोटोज़ और किसी ने नहीं, तुमने ही लीक करवाई है। जी रुई को भी ये बात नहीं पता होती है यांग जिंग की खतरे में है, तभी यांग जिंग की फ्रेंड टकराती जी रुई से और तब उसको सब कुछ बता देती है कि किसी ने फोटो लीक कर दी है और सब लोग कहते हैं कि शायद से यांग जिंग और बायजू रिलेशनशिप में भी है। यांग जिंग बायजू से बात करते हुए आ रही होती है, बायजू कहता है कि बिल्कुल सावधान होके आना। बायजू के सारे फैंस वहाँ पे झुंड बना के यांग जिंग का वेट कर रहे होते हैं और यांग जिंग के आते ही सब लोग उसको घेर लेते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 19, 20, 21, 22 और 23, 24 कंप्लीट होता है। थैंक यू।